में हुए हादसे पर प्रतिक्रिया देती हुई महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से बंद की घोषणा की गई है। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अहिरकर ने कहा कि बंद का उद्देश्य किसी को भी तंग करना नहीं है, बल्कि किसानों के साथ हुए व्यवहार का विरोध करना है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा राजकारण अब तक हमने नहीं देखा, ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। गृह मंत्री केंद्रीय मंत्री के बेटे ने, लोग कह रहे हैं, चार लोगों को तोड़ते हुए जीप आगे बढ़ा के लेके चले जाना है, और उसके लिए नेचुरल है जो नेता रहते हैं उनको वहाँ जाकर पहुँचना पड़ता है, तो लोग मारेंगे उनको, कितनी भी घटना हुई तो क्यों नहीं गए। और वाड्रा वहाँ जाने के लिए चार लोग गाड़ी में थे, 144 धारा में 5 लोगों का बंधन रहता है, तो चार लोग जा रहे थे, उनको जिस प्रकार से रोका गया, 30 घंटे तक किसी भी प्रकार का FIR दाखिल ना करते हुए इनको कस्टडी में रखा गया, तो ये इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी है या क्या है, ये समझने के बाहर की बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब तुम उसको उस वे में आप गैर उनको भी अरेस्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोकशाही को प्रेरक नहीं है। इसके विरोध में ही महाविकास आघाड़ी की जो सरकार महाराष्ट्र में है आवाज़ उठाने के लिए कल उन्होंने बंद का ऐलान किया है। अब बंद का ऐलान ये सिंबॉलिक है, किसानों के लिए जिस प्रकार से गवर्नमेंट कार्य कर रही है उसका विरोध है। दूसरा, जो बदले की भावना से सरकार काम कर रही है, अनेक हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ भी हम चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इतना नहीं होना चाहिए। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर में इनकम टैक्स के रेडे करते हो, उनके ऊपर में करते हो, वहाँ तक भी ढीले, उनकी चारों बहनें जो उनसे कोई लेना देना दूर दूर तक कोई वो नहीं, उनके भी घरों में तुम रेडे करते हो, तो कहीं ना कहीं अभी लोगों को लगने लगा है कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन ये वो भूल रहे हैं, जब भी ऐसा अन्याय और अत्याचार कोई भी सरकार करती है अपने आगे बढ़ने के लिए, वो डेफिनेटली वो पीछे आएगी।